गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, हम लोग चर्चा करेंगे आज सुपर टेट 2021-22 के ऊपर। और सुपर टेट में जो हम लोग बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक होगा, वह टॉपिक होगा मनोविज्ञान का। किसका टॉपिक होगा? मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान को सुपर टेट में 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बाल मनोविज्ञान, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो बांटा गया है शिक्षण कौशल के रूप में, यहाँ से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो बांटा गया है जीवन कौशल, तीनों से कुल मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने? कुल मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाने हैं, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइज, यह हमारा सुपर टेट के ऊपर 3रा वीडियो होगा। अगर आपने हमारे उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें। और जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, वह चर्चा करेंगे शिक्षण कौशल के ऊपर। किसके ऊपर? शिक्षण कौशल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शिक्षण कौशल में फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा किया, वह चर्चा किया प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में। अगर बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान, SSA, इसके सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर हम लोगों ने बात किया। SSA दूसरे वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में ही जो हम लोगों ने चर्चा किया, वह चर्चा किया NLM के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा किया? NLM के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसके ऊपर हम लोगों ने जाना। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, वह चर्चा करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे कड़ी में चलेंगे। जो आज चर्चा करेंगे, वह चर्चा करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई और क्या कहा गया इसमें। तो आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को हमारे संविधान के में धारा 45 में रखा गया है। किस में रखा गया है? संविधान में धारा 45 में रखा गया है। और उस संविधान में जब धारा 45 में इसको रखा गया था और कहा गया था कि आने वाले 10 वर्ष के अंदर सभी राज्य सरकारें 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, उसमें कहा गया था। तो जब चतुर्थ अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया, क्या? जब चतुर्थ अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया, कब किया गया? 1978 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि चतुर्थ अखिल भारतीय सर्वेक्षण कब किया गया? तो चतुर्थ अखिल भारतीय सर्वेक्षण 1978 में किया गया। और उसमें पाया गया, देखा गया कि 9% प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन ही नहीं है। कितने प्रतिशत? 9% प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन ही नहीं है। दूसरा अगर बात करें तो 41.5% प्राथमिक स्कूल ऐसे पाए गए जिनके पास श्याम पट की ही व्यवस्था नहीं थी। 72% प्राथमिक स्कूल ऐसे पाए गए जिनके पास पुस्तकालय की व्यवस्था ही नहीं थी। 72% प्राथमिक स्कूल ऐसे पाए गए जिनके पास पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं थी। 53.4% प्राथमिक स्कूल ऐसे पाए गए जिनके पास खेल का मैदान ही नहीं था। 89% ऐसे विद्यालय पाए गए जिनके पास मूत्रालय और शौचालय की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ऐसी दयनीय स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसकी घोषणा की गई। किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। कब की गई? 1986 ईस्वी में। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई वह 1986 में की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लाया गया। किसके? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया गया। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसकी घोषणा की गई, उसी के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लाया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है सन 1987 ईस्वी में इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया?
ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को 1987 ईस्वी में लागू किया गया। पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना कब लागू किया गया, तो हमें क्या बताना है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना 1987 ईस्वी में लागू किया गया। और पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई। और ठीक एक वर्ष बाद 1987 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को लाया गया। और इसमें कुछ सामग्री बताई गई, क्या बताया गया ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तहत कि अध्यापक सामग्री क्या होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में बताया गया कि अध्यापक के पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। नंबर एक, पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम होना चाहिए। तीसरा, अध्यापक निर्देशिकाएँ होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं अध्यापक सामग्री के बाद, तो कक्षा शिक्षण सामग्री में किसको रखा गया, तो कक्षा शिक्षण सामग्री में अगर बात करें तो बताया गया कि मानचित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानचित्र होना चाहिए। मानचित्र जो होना चाहिए वह जिला का होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए और राष्ट्र का होना चाहिए। मानचित्र किसके किसके होने चाहिए विद्यालय के अंदर, कक्षा शिक्षण सामग्री में इसको रखा गया। नंबर एक, मानचित्र होना चाहिए और जो मानचित्र है वह जिला का होना चाहिए और राज्य का होना चाहिए और राष्ट्र का होना चाहिए। और अगर बात करें प्लास्टिक ग्लोब होना चाहिए और शैक्षिक चार्ट को होना चाहिए। अगर बात करें खेल सामग्री में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत किसको रखा गया, खेल सामग्री में बताया गया कि लकड़ी के गुटके होने चाहिए, नंबर दो फुटबॉल होने चाहिए, नंबर तीन वॉलीबॉल होनी चाहिए और पंप होनी चाहिए। पंप का क्या कार्य होगा, जो फुटबॉल और वॉलीबॉल होगी उसमें हवा डालने के लिए। उसके बाद रिंग होनी चाहिए, उसके बाद कूदने वाली रस्सी होनी चाहिए। नंबर चार, अगर बात करें पुस्तकालय सामग्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के तहत, संदर्भ पुस्तकें होनी चाहिए, बच्चों की पुस्तकें होनी चाहिए, पत्र पत्रिकाएँ व समाचार पत्र पुस्तकालय सामग्री में उपलब्ध होने चाहिए। यह ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत बताया गया। और बताया गया वाद्य यंत्र में क्या होना चाहिए। वाद्य यंत्र में बताया गया कि ढोलक या तबला का होना जरूरी है, उसके बाद हारमोनियम होना चाहिए और मंजीरा होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत बताया गया वाद्य यंत्र में बताया गया कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत ढोलक होनी चाहिए या तबला, नंबर दो हारमोनियम, नंबर तीन मजीरा। भवन की अगर बात करें तो भवन ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के तहत बताया गया कि दो बड़े कमरे होने चाहिए, एक शौचालय होना चाहिए, दरी व फर्नीचर होना चाहिए, स्कूल की घंटी होनी चाहिए, श्यामपट होना चाहिए, चाक और डस्टर होना चाहिए, जल सुविधा होनी चाहिए, कूड़ादान होना चाहिए, प्राथमिक उपचार की किट होनी चाहिए। यदि किसी बालक को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए प्राथमिक उपचार किट होना बहुत ज़रूरी है। प्राथमिक स्तर पर NPE 1992 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के बारे में आज हमने बताया, तो सबसे पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कब घोषणा की गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई वह घोषणा की गई 1986 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को लागू किया गया। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है 1987 ईस्वी में लागू किया गया। गाइज, आज जो हम लोगों ने चर्चा किया वह प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। किसके ऊपर? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में हम लोगों ने आज चर्चा किया ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना। पहले वीडियो में हम लोगों ने सर्वशिक्षा अभियान के बारे में जाना, दूसरे वीडियो में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में हम लोगों ने NLM के बारे में जाना, और आज तीसरे वीडियो में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आज हम लोगों ने ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के बारे में जाना। गाइज, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।